चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का पंजाबी न्यूज़ से स्वागत है। मैं थोड़े नाल रिदम खबरों की शुरुआत करने तो पहला एक नज़र मार दें कुछ खास हेडलाइंस से। ममता बैनर्जी ने केंद्र सरकार नूं लिखी चिट्ठी, पछमी बंगाल च भुक्की की खेती करन दी कीती मंग। मामला आबकारी नीति कपले दा दिल्ली दी अदालत अज सिसोदिया दी जमानत पटीशन ते करेगी सुनवाई। पंजाब च बजट दे चौथे सैशन दी कार्रवाई जारी, बजट दौरान कीते जा रहे वड्डे ऐलान। हुण खबरां विस्तार नाल। पछमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने कहा है कि उन्होंने केंद्र नूं चिट्ठी लिख के सूबे च भुक्की की खेती की मंजूरी देने की अपील की है ताकि सूबे के लोग इस तो तैयार पकवानों का आनंद लै सकन। ममता बैनर्जी ने विधानसभा च कहा है कि पोस्तो या भुक्की महंगी है क्योंकि इसकी खेती सिर्फ कुछ सूबे च की जाती है। उन्होंने कहा कि बंगालियों नूं पोस्तो पसंद है, सिर्फ चार सूबे च इसकी खेती क्यों की जानी चाहिए है, पछमी बंगाल च इसकी खेती क्यों नहीं की जाएगी जबकि यह हर दिन साढ़े मेन्यू च है। बैनर्जी ने कहा कि सानू दूजे सूबे तो उच्चिया कीमतों से पोस्तो क्यों खरीदना पवेगा, पछमी बंगाल च इतों पोस्तो की खेती की मंजूरी क्यों नहीं मिलेगी। मैं विरोधी धिर के मैंबरों नू इसते केंद्र नू चिट्ठी लिखने लिए कहांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे पोस्तो नशीले पदार्थ नहीं ने। दो हज़ार बई अपनी भारतीय नागरिकता छड़न वाले भारतीयों की गिनती हूँ तक के सब तो उच्चे पद्धर छू रही है, इसलिए मोदी सरकार ने संबंधित मंत्रालय को इस मुद्दे से डूंगाई विचार करने लिए कहा है। 2011 एक पॉइंट भी लख भारतीय ने विदेश च वसन लई नागरिकता छड़ दी, तो 2022 यह गिनती लगभग दुगनी होकर 2.25 लख हो गई है। सरकार की चिंता इस गल दी है कि अमीर भारती अपने देश च निवेश करन दी बजाय नागरिकता लैके विदेश च वस रहे ने। ना सिर्फ उच्च कुशल व्यक्ति अते विद्यार्थी अपनी भारतीय नागरिकता छड़ रहे ने, सगो वड्डी गिनती च अमीर भारती किते होर राष्ट्रीयता खरीद रहे ने। जेकर वित्त मंत्रालय तो प्राप्त रिपोर्ट आधार मनीए तो 100 तो वध व्यक्तियां दी एक सूची तैयार की गई है जिन्हां अपनी शक्की नजायज जायदाद दे नाल दुबई अते मारिशस समेत होर टैक्स हैवन देशों च वसन का बदल चुनिया है। त्रिपुरा च केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सुरक्षा च कोताही का मामला सामने आया है। उन्होंने काफले च अचानक एक चिट्टे रंग की कार दखल हो गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की पर तेज रफ्तार नाल काफले नूं ओवरटेक करते हुए फरार हो गए। जिक्र योग है कि अमित शाह नवी सरकार के सहुं चुक समागम लिए अगरतला पहुंचे सन। वो स्टेट गैसट हाउस तो बाहर निकल रहे सन तो उस समय एक घटना वापरी। पुलिस का कहना है कि कार चालक नूं जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। सोशल मीडिया के घटना की वीडियो भी वायरल हो गई है। दिल्ली की एक अदालत अज आम आदमी पार्टी के नेता अते साबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी से सुनवाई करेगा। उन्होंने कई घंटिया तक पूछगिछ तो बाद 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के विशेष जज एम के नागपाल ने 6 मार्च को सिसोदिया 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिता। जज ने उन्होंने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत भेजने तो पहला सीबीआई 7 दिन रिमांड दिता। जज ने सीबीआई दोषी की जमानत अर्जी से अज जवाब दाखिल करन दा निर्देश दिता।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बीते दिनी केंद्र नूं तसम दे तिनसुकिया जिले च साल 1994 च अतवाद रोकू मुहिम दौरान कथित तौर पर फौज वालों मारे गए पांच नौजवानों के परिवारों नूं 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिता। एक पटिशनर के वकील ने यह जानकारी दी। एडवोकेट परी बर्मन ने दसिया कि अदालत ने लंबा समा बीत जाने के मद्देनज़र मामले नूं बंद ऐलान दिता क्योंकि मामले के सबूत जां गवाहां नूं पेश करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि जज अचिंता मल्ला बुजोर बरुआ ते राबीन फुकन दी बैच ने यह हुक्म दिता है। बर्मन ने कहा कि अदालत ने भारत सरकार नूं हुक्म दिता है कि वह पांच मृतकों के वारसा नूं 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों 10 मार्च मतलब कि अज विधानसभा च बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा साल 2023-24 लई बजट अनुमान सदन च पेश कर रहे हैं। पंजाब च वख-वख वर्गों के लोगों की नज़र इस बजट से टिकिया हुई ने। पंजाब सरकार इस बजट च खास तौर पर सिक्ख्या फसली विभिन्नता सनती खेत्र से ध्यान केंद्रित कर रही है। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि औरतों के बैंक खात्या च 1-1 हज़ार रुपए जमा करवाने फंड का ऐलान किया जा सकता है। नाल ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करन स्कूल ते मेडिकल खेतर इंडस्ट्रियल विकास समेत पिछले बजट सैशन च किए ऐलान ते GST वसूली च होए वाधे नाल कुछ महत्वपूर्ण ऐलान भी किए जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल ने कौमांतरी सरहद राही भारत च घुसपैठ कर रहे एक बंगलादेशी ते एक पाकिस्तानी नागरिक नूं वख-वख मामले च फड़िया है। इस संबंधी जानकारी सांझी करदिया BSF दी एक बुलारे ने दस्या कि पहले मामले च अमृतसर सैक्टर च राजाताल सीमा चौंकी नेड़े बीती रात बंगलादेशी व्यक्ति नूं फड़िया गया सी। बुलारे ने दस्या कि ड्यूटी ते तैनात BSF जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे व्यक्ति ते गोली चलाई ते फिर उस नूं गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने दस्या कि शुरुआती पूछगिछ तो पता लगे कि गिरफ्तार व्यक्ति बंगलादेशी नागरिक है। उस तो होर पूछगिछ के आधार से अगली कार्रवाई की जाएगी। थाना लाहौरी गेट पटियाला की पुलिस ने SST नगर विखे मसाज ते स्पा सेंटर की आड़ चल रहे जिसम फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश किया है। जानकारी देंदिया थाना लाहौरी गेट के SHO गगनदीप सिंह ने दसिया है कि उक्त मसाज ते स्पा सेंटर की संचालिका समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दसिया कि जिन्हों खिलाफ केस दर्ज किया गया उसनों अदालत च पेश करके 14 दिनों के जुडिशियल रिमांड से भेज दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब दे उस बिल नूं मंजूरी दे दिती है जिस च 4000 एकड़ तो वध भूमि ते कब्जा रखण वाले 11200 तो वध काश्तकारां नूं जायदाद दा अधिकार देण दी व्यवस्था है। अधिकारियों ने वीरवार नूं इह जानकारी दिती। एक अधिकारी ने दस्या कि पंजाब पौंदेदार बूटेमार डोहलीदार इंसार मियादी मुकर्रीदार मुंदीमार पनाही कमीद सौंझीदार जां तारादाकार मालकाना अधिकार निहित करना बिल 2020 पंजाब विधानसभा वालों 2020 च उस समय पास किया गया सी जदों कांग्रेस सरकार सत्ता विच सी। कानून नूं बाद विच आम आदमी पार्टी सरकार ने भी मंजूरी दे दित्ती है। उधर खन्ना पुलिस ने विदेश बैठे गैंगस्टर लवजीत कंग दे गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह दे सरगना कंग वालों पंजाब ते गुआंढी राज्यां च निशाना बना के करोड़ों रुपए की लुट खोह दीआं वारदातां नूं अंजाम देण की ताक विच तैयारी की जा रही थी। खन्ना पुलिस ने गिरोह के 6 मुलजमान गिरफ्तार करके उन्होंने कब्जे विचों 13 हथियार ते 13 मैगजीन बरामद किए ने।
SSP अमनीत कौंडल ने दस्सिया कि पुलिस ने गैंगस्टर लवजीत कंग गिरोह का पर्दाफाश करके कोई वड्डी वारदात होने तो पहला ही इसनू रोक दिता है। SSP ने दस्सिया कि पुलिस ने बदमाश दविंदर सिंह बंटी, करणजोत सिंह, कोहिनूर सिंह, हरप्रीत सिंह, बलकरण सिंह, कमलजीत सिंह नू 13 पिस्तौल 32 बोर समेत काबू किया है। दोषियों तो पूछगिछ ते पूछगिछ दौरान एक गल सामने आई है कि वह अमरीका च बैठे गैंगस्टर लवजीत कंग के संपर्क च ने। गैंगस्टर लवजीत कंग ने उसनू एक टारगेट दिता सी जिस तहत उन्होंने वख-वख टारगेट नू अगवा करके करोड़ों की फरौती मंगनी सी। बड़ी वड्डी खन्ना पुलिस नू सफलता च दवाई है जिहदे च असी एक इंटरनेशनल मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिहड़े अपने पंजाब च पंजाब और लोकल आउटसाइड स्टेट्स ऑलसो उत्थे फुट सोल्जर्स नू यूज करके इन्हां दा प्लान सीगा कि कुछ लोगों नू किडनैप करके उन्हां तों वड्डी फिरौती मंगनी सी और असी क्योंकि टाइमली इन्हां दा मॉड्यूल बस्ट करके प्रीएम्प्ट किया जिस दे नाल बहुत ही सेंसेशनल कोई जिहड़े क्राइम होने सी ओह उन्हां दा बचाव हो गया। समय समय दियां सरकारां वल्लों दावा कीता जांदा रहा है कि सरकार आउण ते पंजाब अंदरों नशा खत्म कीता जाएगा, पर अफसोस नशा तां नहीं खत्म होया पर कई मामां दे पुत जरूर खत्म हो गए ने, जिस दी ताज़ा मिसाल फिरोजपुर दे पिंड सोडी नगर विच देखी जा सकती है, जिथों दे लोकां दा कहना है कि उन्हां नूं पिंड विचों राशन लैणा बहुत औखा है पर नशा आसानी नाल मिल जांदा है। गलबात दौरान पिंड वासियां ने दस्सिया कि उन्हां दे पिंड विच नशा धड़ल्ले नाल विक रहा है। पिंड दे कई नौजवान नशे की दलदल च तस चुके ने, कई मावां दे पुत नशे की भेड़ च भी चढ़ चुके ने, पर नशा ज्यों दा त्यों ही आ, जिस संबंधी कई बार पुलिस नूं भी सूचित किया जा चुका है पर नशे ते फिर भी रोक नहीं लग रही। जेकर गल करिए पुलिस दी तां फिरोजपुर पुलिस वालों नशे के खात्मे लई लगातार टीमां बना के छापेमारी भी की जा रही है, पर पुलिस नूं इह पिंड पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रहा, जबकि पिंड वासियां दे कहण मुताबिक पुलिस नूं जाणू करवाया जा चुका है पर पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों ने यह भी आरोप लगाए ने कि अगर पुलिस कुछ नशा बेचने वालों नू फड़ के ले जाती है तो थोड़ी देर बाद उन्होंने छड़ भी दें। कोई कनक नहीं है, कोई प्लाट नहीं है। अगर असी गल करिए चिट्टे की तो जो चिट्टा लेना हो पंजा मिनटा इतने मिल जाएगा, जबकि जो राशन की गल आए तो डिपू के कोल दस दस चक्के मारने पैंदे है सारे लोगों नू। तो असी यही सरकार दरखास्त करते हैं, हथ जोड़ के बेनती है साड़ी कि जेड़े परिवार खड़े है इन्हों इन्हों का हक दिता जाए। कल आटे नाल घर नहीं चलता जी, कल जे असी गल करिए ना डिपू की कि आटा आंदा है, कई तरह दीज़ा आदि है, छोले आते हैं, दालां आदि है, चावल आदि है, दलिया आता वादू कुछ आंदा, पर सिर्फ मिलता तो की है एक आटा, आटे नाल घर नहीं चलता जी, बाकी चीज़ा कितने जाए गरीबों दियाँ। तो मैं चाहना कि सारी दुनिया चाहती, मैं कि सारी दुनिया चाहती है कि इन्हों जिन्हों को कच्चिया छत्त हैं, जिन्हों के समान नाल चिट्टे नाल जिन्हों के पुत उजड़ गए हैं, कई रह ही नहीं गए, कई मारी गए, कई जेलों से बैठे हैं, नशा बंद करना चाहिए। अक्सर सुर्खियों से रहने वाला लुधियाना का बाबा जसवंत डेंटल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों से आ गया। दरअसल होली वाले दिन इतों के गर्ल्स होस्टल च एक सिरकट प्रेमी ने हंगामा मचाया, जिसकी CCTV फुटेज सामने आई कि होस्टल च एक व्यक्ति सीढ़ी ला के दाखिल हो रहा है। कॉलेज दिया विद्यार्थिना का कहना है कि दोषी लड़के ने लड़कियों के होस्टल च दाखिल होकर एक लड़की की गर्दन से चाकू रख के उस नाल छेड़छाड़ करन दी कोशिश की, जिस तों बाद उतों भज गया, जिसते सवाल खड़े करते हुए कहा है कि असी अंदर भी सुरक्षित नहीं हाँ। कॉलेज प्रशासन ने इस हंगामे बारे चुप धारी हुई है ते मौके ते पहुंचे पुलिस मुलाजमान ने दस्सिया कि साडे वल्लों मामले दी जांच कीती जा रही है। उन्हें कहा है कि CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। सर हमारे इधर कॉलेज साइड से एक लड़का घुसा हॉस्टल में आ गया, गर्ल्स हॉस्टल में आ गया, लड़का कॉलेज का नहीं है, वो बाहर से आया है। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, अब ये दूसरी बार हुआ है। हम सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं कि हम सेफ रहे। उसने उस पे हमला भी किया? हाँ जी जी हमला किया उसने, उसके नेक पे नाइफ रखा गया था। इससे ज्यादा हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, बट वी जस्ट डिमांड सिक्योरिटी। बाबा डेंटल कॉलेज दे विच गर्ल होस्टल आया, उत्थे कोई मुंडा घुस गया अंदर, उन्हें कुड़ी दे गर्दन ते रख के कोई अटैम्प्ट किया, गर्दन ते चाकू रख के अटैम्प्ट किया। असीं इत्थे पहुंच गए हैं, बेटी दे लड़की दे बयान लिख ले, असीं परचा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं, CCTV वगैरह देख रहे हैं। बच्चों के ये कंसर्न ने जिहड़े इत्थे पढ़ रहे ने भी पहला भी एक अद्धी बार शायद इदा इंसीडेंट हुई है, पर वो रिपोर्ट नहीं हुई हैगी।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। PSEB ਇੰਪਲੋਈਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਯੂਨਿਟ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ PSPCL ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ CRA ਨੂੰ 295/19 ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ITI ਪਾਸ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿਸ ਪਾਸ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।